बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल ईयरली राउंडअप के साथ हाजिर है। एक पूरे साल का मैं, जिस तरह ईयर एंड हुआ है, तो एक पूरे साल का मैं राउंडअप जो है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, अगर आप देखें, ये 3 महीने का मैंने चार्ट लिया है, तो ये एक कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक क्वार्टर को, 3 महीने को ये एक ही कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं। अब आप देखें, यहां से ये ईयर शुरू हुआ था 2023 का, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टर था, ये सेकंड, थर्ड एंड ये दिस वन इज फोर्थ क्वार्टर। तो इस क्वार्टर की एंडिंग देखें, बहुत अच्छी हुई। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा हाई हुए हैं, तकरीबन समझे 21.56 बिलियन का वॉल्यूम इस क्वार्टर में जनरेट हुआ है। एज कंपेयर टू, अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो हुआ था, आई थिंक ये वॉल्यूम, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो आपको समझने में और भी आसानी हो जाए। 51 बिलियन का वॉल्यूम जो इस क्वार्टर में जनरेट हुआ था, और ये ईयर था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जनवरी टू ये 2005 का जो था, फर्स्ट जनवरी से लेके मार्च एंड तक, 30 मार्च तक। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ था 51.4 बिलियन का। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जो सेकंड, अगर हम कहेंगे सेकंड, ये मतलब सेकंड जो है हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो इस क्वार्टर में लगा है। ये दिस वन अगर हम देखें तो 21.56 बिलियन, ये फ्रॉम अक्टूबर टिल 31 दिसंबर 2023। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ भी देखें वो है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है, अगर हम यहाँ देखें तो 9 पॉइंट, जो बेंच मार्क था 9.5, उसको उसने हिट भी किया, अचीव भी किया। लेकिन वहां से हमने सेलिंग देखी, सेलिंग देखी अच्छी खासी देखी हमने इसको। मैं आपके साथ जरा मंथली शेयर कर लूँ, सॉरी वीकली। तो यहाँ पर जाके ना हमने अच्छी खासी सेलिंग भी विटनेस की। यहाँ पे देखें प्रॉफिट टेकिंग बहुत अच्छी हुई है, देखें यहाँ पे 31.4 बिलियन, ठीक है। यहाँ पर इस वीक में, ये था दिसंबर वाला वीक, ये समझे ये था मिड ऑफ दिसंबर, ठीक है। इसके बाद जो है ये एंड ऑफ दिसंबर समझ लें, एंड ऑफ दिसंबर के करीब, ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, इस पे भी हमने तकरीबन 3.43 बिलियन का जो है हमने आपसे प्रॉफिट टेकिंग देखी। फिर लास्ट वीक जो है, इसमें जो है हमने 1.5 बिलियन, मतलब अगर हम देखें ये 3 बिलियन और ये 3 बिलियन ले लें, तकरीबन 6.5 बिलियन में से अभी हमने सिर्फ 1.5 बिलियन का हमने ये यहाँ पे इंक्रीज, थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी देखी है। जिस वॉल्यूम से सेलिंग आई है 3.14 और 3.43, ये तकरीबन ऑल टुगेदर हम समझे तो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 6.5 बिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे हमने देखा कि ये डाउन साइड पे हुआ है। तो इसकी रिकवरी हमने देखी है 1.5 बिलियन की, ठीक है। 6.5 में से अभी 5 बिलियन जो है वॉल्यूम, अभी और मजीद जो है इसमें रिकवरी बाकी है। तो अभी देखें, ये समझे, ये इस जनवरी, ये 2023 में अगर आप देखें तो ईयर एंड के साथ साथ वीक एंड भी था और मंथ एंड भी था, इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस है। वीक एंड के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हुए जनवरी के, तो उसमें तभी अभी देखना है, शायद आई थिंक बैंक हॉलीडे है 1 जनवरी को, तो मंडे का दिन है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास डाटा आ जाए बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे, 2 या 3 तारीख को। तो उसमें सेटलमेंट पता चल जाएगी कि जो है जितने जो वॉल्यूम हुए हैं उसमें से कितने वॉल्यूम सेटल हुए हैं, मतलब कितनी की डिलीवरियां हुई हैं। और अभी जो जिनकी डिलीवरी नहीं, जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं, जिस जो एमएफएस पर है, मैंने एमएफएस का भी आपके जिक्र किया था, मार्जिन फाइनेंसिंग, जिसको हम कॉमनली जो है नोन एज बदला, तो वो काफी बढ़ गया था। और अगर समझे तो इसके हाईएस्ट पीक पे गया था, 30% काफी होता है। अगर आप काइबोर देखें तो इस पर 22% पर है, और बदला जो है 30% तक भी, थोड़ा सा और भी ऊपर गया था, 30% समझ लें, राउंड अबाउट 30% तक ये जा चुका था। तो उसकी भी सेटलमेंट देखना है कि कितनी डिलीवरी हुई है, क्या सेटलमेंट हुई है, तो वो आपको इंशाल्लाह डाटा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि ये डाटा आ जाए, तो फिर हम देखें कि इसमें मजीद हम अपसाइड क्या देख सकते हैं। अच्छा, वीकली पे मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी कि
आप देख लीजिएगा उसको। मैंने कहा था कि ये हो सकता है ये बुलिश फ्लैग हो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, लेकिन थोड़ा सा अभी भी कॉशियस रखे काम करें, क्योंकि इस वो उस सूरत में होगा जब ये वाला लेवल एटलीस्ट ये देखें, ये वाला जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं, ये बहुत यहाँ पे देखे रिजेक्शन देखी गई थी, हैवी रिजेक्शन देखी गई थी। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, तकरीबन 67,000 के अराउंड जो है यहाँ पे रिजेक्शन देखी गई थी। अच्छा, सीपीआर का मैंने लेवल बताया था कि 59,300 है, तो इसको भी ब्रेक किया, तकरीबन 58,700 का यहाँ पर जो है हमने लो होते हुए भी देखा। इसको भी हम यहाँ देख लें कि इस पर कि ये वीकली पे अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, 800, 900, 700 ये वाला लेवल जो है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें प्लॉट करके फिबोनाची को, इसके हिसाब से मैंने बताया था कि 80,000 अगर इसको इसका लेवल, मैं आपको अभी बता दूं ये लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, 67,000 का जो है। तो फिर मैंने आपको बताया 80,000, ये असल में यहाँ पे 80,000 आ रहा है। अब इसमें 80,000 से लेके 80,300 तक भी इसको हम देख सकते हैं, ये वाला लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था ये वाला, ठीक है ना, 80,400, 80,300 ये लेवल जो है, ये मैंने आपको कहा भी था कि 80,400 का लेवल यहाँ पे ये बनता हुआ हम देख सकते हैं। एक हर्डल बीच में आएगा 72,200 का, ये वाला भी आपके साथ में शेयर कर दूं, और एक हर्डल जो है हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा 67,100 का तकरीबन, तो फिर हम 80,000, 80,500, 80,400, 80,300 ये हम फिर हम ये लेवल रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। अगर ये हर्डल क्रॉस हो जाता है 72,200, 72,100, 72,300, ये प्लस माइनस, जब ये मैं आपके साथ वीकली शेयर कर रहा हूँ तो ये प्लस माइनस 100 से 200 से 100 से लेके 300 400 पॉइंट तक ये अप डाउन यहाँ पे आपको विक भी बनते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए आइए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने, ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया था वीकली रैप अप, थोड़ा सा देख लिया क्योंकि वो वीडियो शेयर की थी, उसमें लोग समझ रहे थे कि शायद अभी चला जाएगा, हो सकता है चला भी जाए, लेकिन मैंने आपको बताया ना जैसे ये हार्ड नट टू क्रैक है 67,000 का जो 67,100, तो ये अभी इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। चलिए हम वीकली मंथली भी चलें थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं वीकली पे। अच्छा, मंथली पे आप अगर आप देखें तो यहाँ पे इवनिंग स्टार डोजी फॉर्म हुआ है विथ हैवी रिजेक्शन, काफी लंबी रिजेक्शन आई है यहाँ पे इसी एरिया पे, ठीक है ना, इसका जो हाई किया था तकरीबन 67,100 का, 67,093, ये 67,000, 67,100 ये स्टिल जो है हार्ड नट है, इसका क्रैक होना, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ। और वीकली पे जो इस वक्त अभी ये अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये वाली है, वो ये वाला एरिया अभी 58,800-700 ये वाला लेवल जो इसने रिटेस्ट किया था। मैं बल्कि ये वाली कैंडल है इसकी नेक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ले लेते हैं इसको, और उसको भी हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। इस कैंडल इसका भी जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना, ये हम ले लेते हैं, ये वाली जो बुलिश कैंडल है इसके हम क्लोजिंग ले लेते हैं, ठीक है, दोनों की क्लोजिंग हमारे पास आ गई। तो अभी हम देखें इस वक्त वीकली पे ये अपर बैंड लोअर बैंड देखें, अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, सीपीआर का रिव्यू तो अभी देखें अभी काफी यहाँ से नीचे आ गया है, पहले तो ऊपर की साइड पे शो कर रहा था लेकिन अभी नीचे की साइड पे शो कर रहा है। अगर ये लेवल जो है ब्रीच ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर सीपीआर का लेवल भी अपर साइड पे आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो अभी तक अगर हम इसको लोअर साइड पे देख रहे हैं, जो इसका अपर बैंड था 49,400 उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है, ठीक है, ये मंथली में आपके साथ अगर बताऊं सॉरी वीकली पे तो ये, और मंथली पे भी अगर हम मैं आपसे साथ शेयर करूं तो एटलीस्ट ये जो लेवल अभी क्लोज हुआ है ये इसको सस्टेन करना चाहिए। और मंथली की अगर मैं आपको बताऊं मंथली की क्लोजिंग जो वो इस कैंड ये कैंडल लेंगे, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 60,600, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा लेवल है,
ठीक है, फॉर सस्टेनेबिलिटी कम से कम एटलीस्ट इसकी इसका जो सपोर्ट है नेकलाइन या जो क्लोजिंग है इसकी, यहाँ पर भी एक छोटे से मैं ये बना देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 60,600 का लेवल, ठीक है ना, इसको एटलीस्ट इसको भी सस्टेन करता है जो इसकी क्लोजिंग है एंड लास्ट मंथ की, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई, अच्छी क्लोजिंग आई है 62,000, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन देख रहे हैं, तो इसकी निगेशन अगर किसी बेरिश कैंडल की सूरत में मिलता है तो फिर ये मार्केट हम और नीचे दे सकते हैं। जिस तरह मैं आपके साथ लास्ट वीक जो आपको शेयर किया था कि यहाँ पर देखें ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी था ऑन वीक ऑनिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे हमने देखा रिजेक्शन आई, ठीक है, तो पिक्चर आपको यहाँ से क्लियर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, RSI देखें 71 पर है, 72, 71, यहाँ देखिए 71.8 यहाँ पे RSI आ रहा था, ठीक है, और अगर वॉल्यूम भी आपके मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, दूसरा जो है हिस्टोग्राम भी देखें तो इसका अपर साइड पे बहुत, मैं आपको सर MACD का बता देता हूँ कि अभी यहाँ पे कूल डाउन हो रहा है, हिस्टोग्राम भी देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे बहुत हाई पे चला गया था, अभी यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और मजीद नीचे करेक्शन देखें, तो यहाँ पे मजीद अपसाइड फिर हम विटनेस कर सकते हैं। तो ये मैं आपके साथ अभी डेली पे भी शेयर कर लेता हूँ, डेली पे भी देखें अपसाइड ही हम अभी देख रहे हैं टिल 66,200 या 300, यहाँ पर ये, यहाँ पे भी हम इस पे डेली पे हम रिजेक्शन और प्रॉफिट टेकिंग देखते रहे इन लेवल्स पे 66,200 300, तो ये अभी डेली पे भी तकरीबन समझिए हार्ड नेट है, इसको क्रैक करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी मिलना बहुत जरूरी है। चलिए वापिस अब अपने ईयरली राउंड अप पे आ जाते हैं, ये मैंने थोड़ा सा आपके साथ पीछे पिछला थोड़ा रिकैप ले लिया डेली का, वीकली का, मंथली का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा नजर डाल लें RSI पे, RSI 72 पर है, ठीक है, 72 अगर हम देखें, वैसे तो जो है मंथली पे अभी हाई हुआ हुआ है, वीकली पे भी, लेकिन अभी इस पे यहाँ पे अभी और गुंजाइश बनती है, अगर हम देखें तो पिछली हिस्ट्री तो ये 78 तक भी गया है, 78, 83, ठीक है ना, तो RSI गया है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 80 तक भी आया है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम नजर डालें तो 87 तक भी RSI गया है, तो गुंजाइश अभी यहाँ पे बनती है मजीद, लेकिन देखना है जिस तरह मैंने आपको बताया था उसको हर्डल जो है बीच में, वो जो वीकली पे और मंथली पे आ रहे हैं उन हर्डल को क्रॉस करना और उनका ब्रेकआउट मिलना उन लेवल्स का बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि यहां से भी मार्केट और मजीद अपसाइड जा सकती है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ईयर एंड हुआ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 9 ट्रिलियन पर है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 9.5 ट्रिलियन से ऊपर ही यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि बैंकों की तरफ से जो है और इंश्योरेंस की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई अपर साइड पे। चले बहरहाल, अब हम जो है थोड़ा सा इसको फिबोनाची के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है, पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि ये वाला लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इसकी क्लोजिंग थी ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हो सकता है आने वाले, अगर ये सबसे पहले तो CPR के लेवल से मैं पहले डाउन साइड आपके साथ शेयर कर लूं कि डाउन साइड में देखें इस वक्त 59,400 50 और ये वाला लेवल आपके साथ शेयर कर लूं 56,300 और 53,200, ठीक है, ये CPR के लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अगर यहाँ कोई रिजेक्शन दोबारा मिलती है इन्हीं लेवल्स पे जिस मैंने आपको बताया था अपर साइड पे 66,200, ठीक है ना, यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करना या यहाँ पर कहीं ये जैसे यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो ये एक समझे कि ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है, यहाँ पे जो हमारी क्लोजिंग आई है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो ये वाला लेवल, ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है, इसको मैं लिख भी देता हूँ इधर BT ना, ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी, तो ये BT ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी आ गई हमारे पास इधर, ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, ये ईयरली पे देखें
अभी मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको एयरली राउंड अप ले रहा हूं, तो ये एक कैंडल 3 मंथ की है, तो ये क्वार्टर बेस पे काम करेगा, आपके डेली पे, वीकली पे, मंथली पे काम नहीं करेगा। ये जो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, इस पर हो सकता है उसके ऊपर भी जाए, फिर अगेन रिजेक्शन देख सकते हैं हम। तो ये मैं आपके साथ जैसे ईयरली जो है शेयर कर रहा हूँ 3 मंथ का, तो ये ईयरली है, फर्स्ट क्वार्टर का जो है, ये अगला क्वार्टर जो हम देखेंगे किसमें कहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। तो ये मैं क्वार्टरली बेसिस पे आपसे बता रहा हूँ, 59,400, 56,300 और 53,200, ये CPRs के लेवल है। तो इसी को देखते हुए अगर हम देखें तो अभी कॉशियस रह के अभी फिलहाल काम करें, क्योंकि यहाँ पे मंथली पे जिस तरह मैंने कहा था ना, मंथली पे यहाँ पे अच्छी रिजेक्शन आई है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हम कहेंगे, और वीकली पे जो है ये इवनिंग स्टार आया है, ठीक है। तो इस पर अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर इसको अक्सर हमने देखा गया है कि यहाँ पे कोई बनता है मॉर्निंग स्टार और अपर साइड पे जाके फिर ये उसको भी देखते हैं कि अगर हैवी सेलिंग है, मैंने जैसे आपको बताया सेटलमेंट देखना है, रिपोर्ट देखना है क्या है, इसके बाद जो फिर हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन देके इसको भी आने वाले दिनों में ब्रीच कर सकता है। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें, अभी इतनी एक्साइटेड ना हो, थोड़ा सा वेट करें डाउन साइड का, ठीक है। डाउन साइड पे भी जो है अच्छा लेवल जो है हमने यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा सा ये भी आपके साथ शेयर कर लूं, ठीक है ना, थोड़ा ठीक है ना, ये वापस हम ईयरली पे आ गए। ये वाला लेवल जो है अगर देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये वाला लेवल ठीक है ना, 47,800। तो ये इस वक्त जो हमारा ये पिविटल पॉइंट अब इसका बन गया है, ठीक है, ईयरली बेसिस पे देखें तो ये हमारा पिविटल पॉइंट है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन देखते हैं जिस तरह हम देखी है, और जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसका इंक्रीज होना बहुत जरूरी था इस लेवल पे, अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी था इंक्रीज होना, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 6.5 से 9.5 तक गई है खाली, मतलब 3000, मतलब यहाँ से समझिए हाँ 3000 बिलियन का मैक्सिमम पे भी 9.5 ही देखा है हमने, इसको मैं 9.5 कर देता हूँ, 9500 के करीब कुछ गई थी, 9600 ये मैंने क्लोजिंग बेस पे लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ की जो क्लोजिंग इस बेस पे लिया, रिजेक्शन बेस पे नहीं लिया, इसको मैं यहाँ पे भी लिया हूँ ये बेस पे लिया, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये रिजेक्शन इस वक्त अभी मैंने लिया नहीं है, जो रिजेक्शन इधर आई है, ठीक है, ये मैंने लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 9.6 ट्रिलियन तक भी मार्केट कैपिटलाइजेशन चला गया था, ये मैंने क्लोजिंग बेस पे लिया है, और यहाँ पर भी मैंने क्लोजिंग बेस पे ही सब लिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मार्केट की क्लोजिंग बेस के हिसाब से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था और इंडेक्स था, अच्छा इंडेक्स में हमने अच्छा खासा जो है वहाँ पे इंक्रीज देखा है, तकरीबन 22,000 पॉइंट का जो है हमने यहाँ से इंक्रीज देखा है, 40,420 का जो है ये लास्ट ईयर में जो इसका क्लोजिंग थी उसके हिसाब से है 40,420, और इस साल जो है वो ईयर एंड में अगर हम देखें तो 62,451, तो तकरीबन 22,000 का हमने इसमें इंडेक्स में हमने पॉइंट्स में इंक्रीज देखा है, 22,000 पॉइंट अच्छे खासा होता है यहाँ से, मतलब वॉलेटिलिटी हमने बहुत ज्यादा देखी है एज कम्पेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन खाली 3000 बिलियन का इंक्रीज देखा है, या 3 ट्रिलियन समझ लें, और बाकी इंडेक्स जो है बहुत तेजी से यहाँ से मूव किया है। तो थोड़ा सा अभी भी मैं कहूंगा कॉशियस रह के काम करें इन लेवल्स पे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।